तो नमस्कार दोस्तों, जब आपके खाते पर होल्ड लग जाता है, जिस दौरान आप अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाते हैं, उस दौरान आपको अपने खाते यानी कि अकाउंट में KYC अपडेट कराने की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से जो है वो आप अपने बैंक में जाकर KYC फॉर्म को अपडेशन करा सकते हैं और किस तरह से आपको KYC फॉर्म को फिल करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसको लेकर आपको बैंक में जाना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप KYC अपडेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखने के लिए मिलता है BO। BO यानी हो जाता है आपका ब्रांच ऑफिस, आपका ब्रांच जहां भी है वो यहां पर आपको लिख लेना है, ब्रांच का यहां पर नाम लिखना है और यहां पर आपको नीचे मिल जाता है कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर। कस्टमर आईडी जो है वो और अकाउंट नंबर जो है वो आपकी जो पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाएंगे, जो आप सभी जगह प्रिंट करके देते हैं, वहां से आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर को सही सही लिख लेना है। कुछ इस तरह से हमने क्या है कि यहाँ पर बॉक्स में कटकुट की है, तो कुछ इस तरह से आपको नहीं करना है क्योंकि ये हमने कुछ पर्सनल जानकारी को छिपाने के लिए कुछ इस तरह से किया है। आपका जिस तरह से होगा उसी तरह से सेम यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से 5 बॉक्स मिलते हैं, इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपकाने होते हैं और यहाँ पर जो 4 बॉक्स हैं इसमें आपको सेम सिग्नेचर कर देने हैं जिस तरह से आप करते हैं। जो अंगूठे लगाते हैं वो अंगूठे यहीं पर लगाएंगे। ये काफी लोगों का सवाल होता है कि हम अंगूठा कहाँ पर लगाएं, जो यहाँ पर अंगूठे लगाते हैं तो यहीं पर आपको अंगूठे भी लगाने हैं जो लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है आपका नेम, यहाँ पर खुद के नेम को लिखना है, यहाँ पर जेंडर लिखना है, अगर आप मेल हैं तो एम लिखेंगे, फीमेल हैं तो यहाँ पर आपको एफ लिखना है, यहाँ पर आपको DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ को सही से फिल करना है, यहाँ पर आपको फादर और हस्बैंड नेम हो जाता है, यहाँ पर अगर कोई सिंपल से यहाँ पर लड़का लड़की है तो यहाँ पर फादर और यहाँ पर मदर नेम लिखेगी, अगर कोई शादीशुदा महिला होती है यहाँ पर केवल अपने पति का नाम यानी कि हस्बैंड का नाम लिखेगी और यहाँ पर वो आपको मदर नेम छोड़ देना है। यहाँ पर आपका एड्रेस हो जाता है तो सही सही आपको अपना एड्रेस लिख लेना है, जो कि आप जानते हैं कि हमारा एड्रेस क्या है। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, जो कि आपको आधार कार्ड पर एड्रेस और पिन कार्ड दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ पर पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बॉक्स हैं, यहाँ पर आपको पेन नंबर जो कि आपको इस बॉक्स में लिखना है और आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखना है और ये दोस्तों बीच में हो जाता है एनी अदर आईडी एड्रेस प्रूफ। इसमें अगर आप पेन कार्ड और आधार कार्ड के अलावे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, एम नरेगा, जो भी देना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो उसकी भी प्रिंट आउट आपको इस KYC फॉर्म के साथ होना जरूरी होता है। कुछ इस तरह से आपको नीचे में देखने के लिए मिलता है मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ लिंक है वो यहाँ पर आपको लिखना है, अगर आप चाहे तो नहीं लिंक है तो यहाँ पर आप लिख कर लिंक करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपका हो जाता है ईमेल आईडी, अगर आप खाता खुलवाते समय दिए होंगे तो आप लिख भी सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपका पूछा जाता है प्रोफेशन यानी कि दोस्तों आप क्या करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं स्टूडेंट लिखेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर कोई महिला है तो यहाँ पर आपको हाउस वाइफ लिखना है, या आप हिंदी में फिल करते हैं तो गृहिणी लिख सकते हैं, यहाँ पर छात्र लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका टोटल अर्निंग इनकम इसको आप फिल कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर नीचे में आपका हो जाता है कुछ इस तरह से एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड यहाँ पर लिख सकते हैं या आप चाहे तो पेन कार्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आईडी प्रूफ में हमने पेन कार्ड लिखा है, आप चाहे तो इसको यहाँ पर आप बदल भी सकते हैं, यहाँ पर पेन कार्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड कर सकते हैं, या आप जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बॉक्स हो जाता है यूसु, यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, या आपको नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाता है डेट, यानी कि आप जिस भी डेट में KYC फॉर्म को बैंक में जमा करते हैं उसी डेट को यहाँ पर लिखना है, ये नहीं है कि आप 2 दिन पहले डेट लिख दिए हैं और 2 दिन बाद जाकर यहाँ पर KYC फॉर्म को जमा करते हैं, तो आपको जिस भी डेट में जमा किए हैं उसी डेट को लिखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके जो KYC हैं वो 24 घंटे के अंदर में कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप अगले दिन बैंक में जाकर आप कह सकते हैं कि हमने इस डेट को KYC फॉर्म जमा किया था, जिससे कि होते हैं कि बैंक के जो एजेंट होते हैं वो आसानी से खोज पाते हैं आपके KYC फॉर्म को और KYC कर देते हैं।
और यहाँ पर आपका हो जाता है सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। और काफी लोगों का सवाल रहता है कि जो अंगूठे लगाते हैं वो कहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आप अंगूठे लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको 5 जगह सिग्नेचर करने हैं, जो कि आपका एक यहाँ हो जाता है और आपको 4 यहाँ हो जाता है। जो अंगूठे लगाते हैं वो यहाँ पर अंगूठे लगा सकते हैं चारों बॉक्स में, और यहाँ पर भी आपको अंगूठे लगाने। तो कुछ इस तरह से आपको नीचे में कुछ भी नहीं फिल करना है, और कुछ इस तरह से आप काफी आसानी से जो है वो आप पंजाब नेशनल बैंक के KYC फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख लीजिए, अच्छे से हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं किस तरह से आपको पंजाब नेशनल बैंक के KYC फॉर्म को फिल करना है। तो कुछ इस तरह से आप काफी आसानी से फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात रही कि इसके साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इसमें आपको देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है आपका पैन कार्ड का, यहाँ पर आपको एक पैन कार्ड का प्रिंट आउट लेना है, आपको एक आधार कार्ड का प्रिंट आउट लेना है। अगर आप यहाँ पर एनी अदर ID दिए होंगे तो उसका भी प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है, और आपके जो बैंक का पासबुक है उसका भी एक प्रिंट आउट होना चाहिए। और कुछ इस तरह से आपको सभी प्रिंट आउट के साथ साथ आपको ऊपर में ये KYC फॉर्म को लगाना है, और आपको पिन मारकर जाकर आपको अपने बैंक में जमा कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप काफी आसानी से पंजाब नेशनल बैंक के KYC फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जान गए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो कुछ इस तरह से आप काफी आसानी से जो है वो आप अपने खाते में KYC अपडेशन फॉर्म के द्वारा आप सभी डिटेल को वापस ले जो है वो अपडेट करवा कर अपने जो खाते पर होल्ड लगे होते हैं उसको छुड़वा सकते हैं, और आप वापस ले जो है वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे काफी आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से आपको KYC फॉर्म को फिल करना है, और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, और न्यू टॉपिक के लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी बैंक से कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, और न्यू टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।